आज के वीडियो में बात भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला की करेंगे। प्रेम शुक्ला मीडिया डिबेट्स में विपक्षी नेताओं पर हावी हो जाते हैं, पर ऐसे भी कुछ डिबेट्स हैं जिनमें विपक्षी नेताओं ने पलटकर जवाब दिया। आज तक पर एक डिबेट में प्रेम शुक्ला ने जाति धर्म पर बात करते हुए एसपी नेता को घेरा, जिस पर नेता ने अपने जवाब में प्रेम शुक्ला की क्लास लगानी शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों के बीच बहस देखने को मिली। जब ब्राह्मणों का चोला ओढ़कर उतरते हैं तब बाबरवादियों के तलवे चाटने के अलावा उनके पास कुछ नहीं होता। प्रेम जी भाषा, प्रेम जी भाषा, आपको मुबारक हो। व्याभिचारी ब्राह्मण के तलवे चाटने, प्रेम जी क्या, प्रेम जी, प्रेम जी किस किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? गाली करने वाले, आप समाज सभा के बात करिए। आप जैसे दलाल मुझे ब्राह्मण होने का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। दलाल तुम हो, गाली करने वाले लोगों को मुंबई की सड़कों पर, तुम्हारा खानदान दोबारा ब्राह्मण होने का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। मामा के पीठ में, दो कौड़ी के मामा के पीठ में खंजर ब्राह्मण वाला। अब ब्राह्मण तुम बताओगे मुझे, व्यभिचारी ब्राह्मण के पेट में व्यभिचारी ब्राह्मण। हाँ, लंपट का ब्राह्मण, बात करिए उससे, शब्दों का विचार करिए, मामा की पीठ में चूरा घोपने वाले अपने शब्दों का व्याकरण ठीक करो। प्रेम शुक्ला तुम्हारी दलाली में जानता हूँ, औकात तुम बताओगे मुझे, तुम औकात में रहो। अरे पवन मियां पांडे के दलाल, तुम मेरे दलाल के चांपड़ होने का सर्टिफिकेट दोगे? चुनौती लेकिन पवन अपनी औकात में अपनी हाइट से बात करना दिखा रही है, मैं जानता हूँ। मैं सबसे ही भाई इनकी भाषा अपनी माता की बात नहीं बता रहा, ये चवन्नी छाप चिंकू योगी जी ने किया बैठा हुआ है। हरजी बात कर रहे हो, चैनल पे बैठ सही हो जाओगे। इंडिया टीवी पर एक डिबेट में एंकर ने महंगाई के मुद्दे पर सवाल किया, जिस पर प्रेम शुक्ला विपक्षी नेता पर तंज कसने लगे, पर एंकर ने प्रेम शुक्ला को महंगाई के मुद्दे पर ही घेरे रखा। पेट्रोल और डीजल महंगाई का सबसे बड़ा अस्त्र और शस्त्र दोनों है, जनता त्राहिमाम कर रही है, इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। देखिए आप तो भली बात जानते हैं अजय जी कि ऑयल बॉन्ड जो है 2008 में 2011 में जिस तरह से इश्यू किए गए और जिनका पेमेंट 2018 से देना शुरू होना था, अब 1,20,000 करोड़ रुपए की मूल रकम और उसके ऊपर ब्याज, तो आज भी अगर भारत सरकार ऑयल बॉन्ड्स में आपको सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए देने हैं, सर सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए देने इस साल, इसका बहाना देकर आप इतनी बड़ी बात नहीं कह सकते कि 100 रुपए लीटर पेट्रोल बिके। 20,000 करोड़, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन, आज तक पूरे इतिहास में, विश्व के इतिहास में 80 करोड़ लोगों को पिछले वर्ष 5 महीना और इस वर्ष जो है लगातार लोगों को जो है मुफ्त में राशन देने की व्यवस्था की गई। और क्या उसी जनता से आप पैसे नहीं ले रहे हैं? पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई महंगाई की वजह से सब्जी के दाम बढ़ गए, क्या इसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है? क्या दाल की महंगाई की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? आज तक की एक डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता ने डिबेट के विषय में भाजपा सरकार पर टिप्पणी की, जिस पर भाजपा नेता प्रेम शुक्ला ने प्रवक्ता को गलत बोलना शुरू कर दिया। इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता ने प्रेम शुक्ला की क्लास लगा दी। मेरा चेहरा बहुत स्पष्ट है, मैं कोई राहुल विंची होकर राहुल गांधी नहीं बनता, मैं एंटोनियो माइनो होकर सोनिया गांधी नहीं बनता, प्लीज पूरी कीजिए जल्दी से, आगे बढ़िए। जनेऊधारी ब्राह्मण नहीं बनता, मेरा चेहरा बहुत स्पष्ट है। सईद जी, आपको पता है भारतीय संस्कृति का सर्टिफिकेट देने वाले ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये एक औरत की मर्यादा और उसकी इज्जत तक नहीं जानते हैं। ये हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं जानते की मर्यादा औरत की डोली उसके घर आती है, जब एक औरत ना उसको बार बार अमरनाथ का नाम लेना, तो उसके लिए हमारा रामचंद्र जी ने बेवकूफ आदमी गोगले गोगले और गोगले और बेवकूफ आदमी औकात देखो इस महिला की, देखो ये किस तरह अपने संस्कृति वाले, चुप रहो, अपने गले चुप हो जाओ, इनके मुंह से जो है पूरी तरह से इनके जी न्यूज पर राकेश टिकैत के ट्वीट पर हुई डिबेट में एंकर ने भाजपा नेता प्रेम शुक्ला से सवाल किया, जिस पर प्रेम शुक्ला ने राकेश टिकैत और किसान आंदोलन पर टिप्पणी की, जिस पर किसान नेता ने प्रेम शुक्ला को करारा जवाब दिया। इनका तो आप धारा प्रवाह पूरा लेक्चर होने आने देते हो, हमें बोलने नहीं देते। सर बोल तो रहे तब से आप, 13 मिनट में कम से कम, नहीं तो 7 मिनट आप बोले हैं, आपको महसूस नहीं हो रहा, बोलिए। हमने हाँ तो हम, अरे भाई मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि यदि इस देश का नागरिक बात तो रिपीट कर रहे हैं महाराज, कुछ नई चीज बोलिए, 700-800 मर जाते हैं, रिपीट कर रहे हैं बावजूद भी आप निर्मम हत्यारों की तरह आपकी प्रतिक्रिया है, ये जो लाठी के बेचारे बूढ़े रोगियों को लाकर सड़क पर बैठा कर उनकी हत्या करने वाले आप लोग, आप लोग सबके बीच में बोल रहे हैं, मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? अरे शांत हो जाइए भाई, सबके बीच में आप बोलोगे, दादागिरी है, आपने लाठी से डर लगा रहा है, लाठी क्या लगता है कि लाठी तक से चल रहा है? सुनो सुनिए प्रेम शुक्ला जी, जिस दिन लाठी लेकर के निकल लेगा ना किसान जी, चौधरी हिंद महासागर में नजर आएगी तुम्हारी ये गद्दी, तो निकले ये नजर नहीं आएगी हिंदुस्तान के अंदर। राकेश टिकैत नाम
धर्म के। प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए सर, एक सेकंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।